फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि एमएफए सेंट्रल आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में आप लोग चाहे एसआईपी हो या आप लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लोग को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है एमएफए सेंट्रल आपके थ्रू, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक एमएफए सेंट्रल ऐप में रजिस्ट्रेशन किए नहीं हो तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप लोग क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अभी मैं आप लोग को बता दूंगा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एमएफए सेंट्रल ऐप के थ्रू तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका जो एमएफए सेंट्रल ऐप है उस आपको अभी आप लोग ओपन कर दीजिए। अगर आप लोग न्यू एसआईपी हो गया या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रांजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपका जो यहाँ पे लमसम और एसआईपी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जो म्यूचुअल फंड में चाहते हो इन्वेस्टमेंट करने, चाहे डेब्ट हो गया, इक्विटी, हाइब्रिड, जो जिस म्यूचुअल फंड में आप लोग चाहते हो इन्वेस्टमेंट करने, आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग नीचे आते हो तो आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे शो करेगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग महिंद्रा मैनुलाइफ का एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं मैनुलाइफ स्मॉल कैप उसको सर्च करते हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे 4 कैटेगरी आ गया। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आप लोग कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन भी आता है या आईडीसीडब्ल्यू आपको ऑप्शन आता है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, हमेशा अगर कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा उस फंड का कैटेगरी देखिए डायरेक्ट होना चाहिए और उसके साथ ही साथ ग्रोथ होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो महिंद्रा मैनुलाइफ का डायरेक्ट ग्रोथ है उसको यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग नीचे आते हो तो उसके बारे में आप लोग डिटेल जानकारी ले सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि एस आई पी स्टार्ट करने के लिए या लमसम स्टार्ट करने के लिए तो उसका आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एस आई पी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मोड, एक हो गया इन्वेस्टमेंट थ्रू डायरेक्ट और आ रहा है। अगर आप लोग डायरेक्ट, मैं आपको जैसे बोला डायरेक्ट का थ्रू अगर आप लोग करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपको देना नहीं है। तो डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिटेल लमसम और एस आई पी जो चाहिए आप लोग यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एस आई पी, तो एस आई पी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखा रहा है एस आई पी अमाउंट दिखा रहे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1000 का एक एस आई पी स्टार्ट करने के लिए, तो 1000 यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको आ रहा है देखिए फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्वार्टरली और मंथली, आप जिस तरह से चाहते हो उसको इन्वेस्टमेंट करने है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आ रहा है आपको सिलेक्ट द एस आई पी डेट, आप लोग को कौन सा डेट में हर महीने में आप लोग एस आई पी काटना चाहते हो उस डेट को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ हर महीना 10 तारीख को मैं एस आई पी करने के लिए, तो यहाँ पे मैं 10 तारीख को सिलेक्ट करता हूँ। आप लोग नीचे देख सकते स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए 10th मार्च 2024 आ गया मेरे को यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को आ रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपको कुछ करना नहीं, एंड डेट आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी एंड डेट यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक आपको एक मिल रहा है परपेचुअल मैक्सिमम 30 ईयर्स परपेचुअल है, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आपका जो एस आई पी है 30 साल तक चलता रहेगा। अगर आप लोग कभी भी चाहते हो उसको स्टॉप करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, किसी भी वक्त आप लोग वो एस आई पी को इजीली कैंसिल कर सकते हो। नीचे देखिए एक चेकबॉक्स है तो उसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। अगर आप लोग का पर्सनल डिटेल में कोई भी चीज चेंजेस करना है तो आप लोग यहाँ पे जो राइट साइड में जो एडिट ऑप्शन दिया है, जो पेन का मार्क दिया है, उसका ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे उसको आसानी से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कुछ एडिट करना है। उसके बाद आपका आ गया नॉमिनी डिटेल आ गया। अगर आपको कोई नॉमिनी भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है या आपको डिलीट करना है, आप लोग यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है देखिए फैटका एंड केवाईसी डिटेल्स। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जो जो बॉक्स आपको रेड मार्क आ रहा है आपको यहाँ पे उसको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए फैटका डिटेल में देखिए मेरा एक रेड बॉक्स आ रहा है, तो आपका जो राइट साइड में जो पेन मार्क है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एडिट कर दीजिए। जो जो आपको भरने के लिए पूछ रहा है आप लोग यहाँ पे उसको भर दीजिए। आर यू टैक्स रिटर्न ऑफ एनी कंट्री अदर दैन इंडिया, तो यहाँ पे मैं उसको नो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप लोग यहाँ पे उसको एंटर करके टिक मार के सेव के ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका आ गया केवाईसी डिटेल आ गया। यहाँ पे भी मेरे को केवाईसी डिटेल भी भरना है। केवाईसी डिटेल में यहाँ पे मेरा सारे एम्प्टी है। जो राइट साइड में जो पेन मार्क है उसका क्लिक करके आप लोग जो केवाईसी डिटेल है आप लोग उसको भर लीजिए। नहीं तो अगर आप लोग बिना भर के अगर आप लोग सबमिट करते हो तो आप लोग का ये एरर आएगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, आपका बैंक डिटेल शो करेगा। अगर आपका बैंक डिटेल सब कुछ सही है तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिए आ रहे प्रोसीड आ रहा है, तो प्रोसीड के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से वो इन्वेस्टमेंट पेज को ले जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एस आई पी डेट यहाँ पे चेंज होता है।
जब आप लोग इन्वेस्टमेंट पेज फिर से आते हो तो आप लोग जो एसआईपी डेट है आप लोग दोबारा उसको क्रॉस बाय पे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो एसआईपी डेट में 10 तारीख की सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मेरे को 1 तारीख शो करे तो फिर से मैं क्या करूँ उसको 10 तारीख में सिलेक्ट कर देता हूँ। बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है फिर आप लोग इन्वेस्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी के ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को देखे वेरीफाई ओटीपी का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर को एक ओटीपी जाएगा, उसको देखे वेरीफाई ओटीपी का ऊपर अभी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रिव्यू आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहे सिलेक्ट पेमेंट मोड आ रहा है, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ओटीएम में रजिस्टर्ड है, जो ओटीएम मेरा एक्टिव है तो उस ओटीएम में सिलेक्ट करके पे भाई ओटीएम के ऊपर अभी आप लोग क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ओटीएम अभी तक है नहीं तो आप लोग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वन टाइम मैंडेट, इसका भी वीडियो मेरा चैनल में अवेलेबल है, आप लोग उसको देख के ओटीएम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लिक करने बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस योर ट्रांजेक्शन हैज बीन एक्सेप्टेड विद रेफरेंस नंबर दिस। अगर आप लोग ट्रैक माई रिक्वेस्ट का ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपका जो एसआईपी अभी आप लोग को इनिशिएट किया हो इसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन प्रोग्रेस शो कर है। अगर आप लोग व्यू का ऊपर क्लिक करता हो तो आपको जो ट्रांजैक्शन डिटेल सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप लोग चाहते हो बैक जाके आप लोग को देखना है, देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो जाके अभी उस म्यूचुअल फंड को रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ है, अगर आप लोग देखने के लिए चाहते हो तो दोस्तों कभी भी अगर आप लोग चाहते हो आपका जो एसआईपी आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन किया उसका स्टेटस आप लोग को जानना है तो आप लोग को क्या करना है, जो 3 बार है उसका ऊपर क्लिक करके जो ट्रैक स्टेटस है उसका ऊपर अभी आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए कमर्शियल ट्रांजेक्शन है उसका ऊपर अभी आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन जो एसआईपी अभी हम लोग इनिशिएट किए इसका जो स्टेटस है इन प्रोग्रेस अभी शो करे तो आप लोग इस तरह से उसका स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है कम्प्लीट होने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लेता है, मैक्सिमम 1 दिन का टाइम लेता है, 1 दिन के बाद या 4-5 घंटे के बाद आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं 3-4 घंटे के बाद इसको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो देखिए 4 घंटे के बाद फिर से मैं इसको लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद अभी तो अभी हम लोग जो म्यूचुअल फंड रजिस्टर किए थे उसका स्टेटस अभी क्या है तो ट्रैक स्टेटस का ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है उसका ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटस है कंप्लीटेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप लोग अभी बैक चले जाइए, बैक चलने के बाद आप लोग यहाँ पे जाइए पोर्टफोलियो जाइए, पोर्टफोलियो के बाद जो एसेट क्लास है उसका ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो जो महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड अभी मेरे को शो नहीं कर रहा था पहले से वो अभी मेरे को शो कर रहा है, इसका मतलब आपका जो एसआईपी अभी रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एसआईपी डेट के बारे में आपको जानकारी लेने के लिए तो आपको क्या करना है, 3 बार का ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आइए ट्रांजेक्ट, आइए ट्रांजेक्ट का ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आइए राइट साइड में देखिए सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते जो फंड हाउस है उसका ऊपर क्लिक करके महिंद्रा मैनुलाइफ जो म्यूचुअल फंड आप लोग अभी किए हो उस फंड को आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए, आपको ये शो करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते जो स्टेटस है पेंडिंग, क्योंकि अभी मेरा जो पहला एसआईपी है वो अभी तक कटा नहीं तो इसीलिए मेरे को स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। अगर आपका एक बार एसआईपी कट जाएगा तो आपको यहाँ पे जो स्टेटस है लाइव शो करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एमएफ सेंट्रल आपको यूज करके चाहे आप लोग एसआईपी हो या आप लोग लमसम में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपका दोस्तों लोग के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।